अरे मौलाना ये सर अमसुल्लाह ने एक मरतबा शेख को खत लिखा, कई दिनों से आपको खत लिखना जाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, उधार लेने को तबीयत नहीं चाहिए, दो पैसे भी नहीं थे तुमको कार्ड देखने के लिए, ये काम ऐसा नहीं चला। मौलाना सुनो कुछ उन्होंने मुतवज्जे किया, अरे बड़ी कुर्बानियां, बड़ी आहें, बड़े बाकी, बड़ी तंगी, इसकी कुर्बानी काम के पीछे है बुजुर्गो, जो हमको नजर नहीं आती, ऊपर वाले जानता है। हजरत मौलाना इजाज सर अमसुल्लाह ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया, कुछ नहीं रखा। एक वक्त आया दिल्ली से निजामुद्दीन में खाने को कुछ नहीं, मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह ने इजाजत बजा बुजू का थोड़ा आटा जमा किया और एक रोटी बनी, एक एक टुकड़ा दिया खाओ जो थे, एक एक लुकमा। हजरत मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह ने इजाजत रहमतुल्लाह ने सब इस स्टाफ को जमा किया, मुबल्लिगीन को, मुअल्लिमीन को, कहा मेरे पास कुछ जाओ नौकरियां करो, अल्लाह तुमको बहुत देगा। और मैं नहीं हजरत, खाने में आपके साथ हैं तो वाकई में भी आपके साथ, आप पचासी छोड़ेंगे, कुछ भी हो चार दीवारी में रहना, मरना जीना यही है। हजरत ने उनके आजाइम को देखा, जैसे दरवाजा बंद करके कमरे में घंटों अल्लाह से मांगते रहे और उसके बाद में निकले, मांग कर चेहरा तमतमा रहा था, फरमाया यूसुफ अल्लाह की कसम अब इस चार दीवारी में कयामत तक पाका नहीं है। एक मौलाना अब्दुल हक साहब थे मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तफसीर हक्कानी भी है, कम हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ, मदीने में हजरत के पास पढ़ता था, इसलिए मैंने इरादा किया हजरत के साथ रोटी खाऊं। मैं मगरिब की नमाज पढ़ के इंतजार में बैठा, हजरत आवाज़ खत्म करें तो घर से जाकर रोटी ले आऊ, हजरत नमाज पढ़ी, अवाबिन की नीयत बांधी इशा की आजान तक, फिर हजरत इशा की नमाज पढ़ी, मैं जाकर घर से खाना लेकर आया, हजरत ने नमाज पढ़ के, मैंने कहा हजरत घर से खाना नहीं आया होगा, बोले घर में नहीं होगा इसलिए नहीं आया, हजरत मैंने खाना लाया घर से, बोले खाऊंगा नहीं, मेरे तबीयत में इशराफ हो गया, दिल में आया कि ये खाना लाएगा तू खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा तेरे साथ खाना, हजरत मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, खाना लेकर वापस गए, फिर आए, बोले हजरत अब तो इशराफ नहीं रहा, अपना अपना जो है मिजाज और अपना जो काम है, अपनी जो दीन की दावत है, ये फाके तंगी से इब्तदाई दौर की चीज है, इसके बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ता, तंगे फाके मुखालिफत में जाने क्या क्या हालात से गुजर कर आदमी आगे आता है दीन के काम में, दुनिया के काम में तो थोड़ा ऊपर आता है, दीन के काम में ऐसा नहीं आता, खुदा यूं नहीं लाते, अब आते हुए लजीन आई रखू आई स्कूल आमला वंगा सुनू, अरे तुम समझते ईमान की बात करो और खुदा तुमको आजमाए नहीं, आजमाएंगे वला नब्लू अन्नकुम बिशय मिनल खौफ वलजू वनफ्स मिनल अमवाल वला अन्फुस वस्समरात, ये सारे मशागिल है, माल की कमी, फलों की कमी, जान खतरे में डालना, मुसीबतों में डालना, सारी मंजिलों से आदमी गुजरता है, रहता है। पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारी इब्तिदा किसी ने नहीं देखी, हमारी इंतिहा देखी और समझेगा कि विदायत किसी को कहते, हमारे फाके नहीं देखे, हमारी तंगियां नहीं देखी, हमारी परेशानियों को नहीं देखा, हमने जमात के इब्तदाई हालात को नहीं देखा, आज के खाने देख रहे थे आदमी तो सब्जी वाले अच्छा खाते, अरे भाई फुचरू में क्या थे ये तो देखो, ये पत्ते खाते जमातों ने वक्त लगाए, जाम खाते जमातों ने वक्त लगाया अपना, एक आने के अंदर एक किलो जाम लेते थे मेवातियों की जमात और वो दो तीन दिन खाते रहते थे, उसे जाम नमक लगा कर बस हम खा सकते हैं, हमने क्या दांव पे लगाया, हमारा क्या लगा दीन के काम में, ये तो बतलाओ क्या गया क्या रहा कितना लगा, ऐसे आप हजारों नहीं लाखों बता सकते हो कि दीन के काम में लगने के बाद अल्लाह ने जिंदगी का रुख पलटा है, रोजी रोजगार में बरकत दी है, हालात बनाए, कच्चे मकान में रहता था पक्के मकान में रहने वाला बन गया, पैदल चलता था साइकिल वाला बन गया, साइकिल वाला था स्कूटर वाला बन गया, स्कूटर वाला था पाई मोटर का वाला बन गया, इमाम ये थोड़ी चल रहा, अरे तबलीग करने तबलीग ने इसको आगे बढ़ाया, काम की बरकत से अल्लाह ने इसको आगे बढ़ाया, कि सामने क्या किया तबलीग को, तबलीग ने बहुत दिया अपने को, ये कुर्बानी का काम है, बातों का नहीं,